हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्ज़ाम पॉइंटर की वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने एग्ज़ाम पॉइंटर की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने विलियम शेक्सपियर को कवर कर लिया और विलियम वॉर्ड्सवर्थ को भी कवर कर लिया है। आज हम जॉन मिल्टन को पढ़ने जाएंगे। ओके, यहाँ तक हो गया था, ये सारे ही कंप्लीट हो गए थे। ये विलियम वॉर्ड्सवर्थ कंप्लीट हो गए थे, विलियम शेक्सपियर कंप्लीट हो गए थे, आज हम जॉन मिल्टन को शुरू करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। जॉन मिल्टन का क्या है, इनका बर्थ कब हुआ है 1608, और इनकी डेथ कब हुई है 1674, 1608 और 1674 में। ओके, यहाँ से पढ़ेंगे। 9 दिसंबर 1608, 8 नवंबर 1674, 9 दिसंबर 1608 में इनका बर्थ हुआ है और 8 नवंबर 1674 में इनकी डेथ हुई है। इन्हें प्यूरिटन पोएट भी कहा जाता है और इन्हें बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट भी कहा जाता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, जॉन मिल्टन बॉर्न ऑन December 9, 1608 इन लंदन इंग्लैंड टू जॉन एंड शारा मिल्टन। मतलब जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था, 9 दिसंबर 1608 में लंदन में हुआ था, इंग्लैंड यानी कि लंदन में। और इनके फादर का क्या नाम था, इनके फादर का भी नाम जॉन मिल्टन था और इनकी माँ का नाम क्या था, शारा मिल्टन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, पैम्फलेटर एंड हिस्टोरियन, कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश ऑथर आफ्टर विलियम शेक्सपियर। मतलब ये क्या थे, एक इंग्लिश पोएट थे, पैम्फलेटर भी थे, हिस्टोरियन भी इनको माना जाता था, और कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश ऑथर, और इन्हें सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश ऑथर माना जाता था। किसके बाद, विलियम शेक्सपियर के बाद। कहा जाता था कि विलियम शेक्सपियर के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण इंग्लिश ऑथर कौन है, वो जॉन मिल्टन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन हिज चाइल्डहुड ही अटेंडेड सेंट पॉल्स स्कूल एंड इन हिज लाइफ टाइम ही लर्न लैटिन, ग्रीक, इटालियन, हेब्रियो, फ्रेंच एंड स्पेनिश। मतलब यहाँ पे क्या, वो अपने बचपन में कहाँ थे, उन्होंने सेंट पॉल स्कूल में अटेंड किया था, सेंट पॉल स्कूल में वो पढ़े थे, और उनकी लाइफ टाइम में उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में क्या सीखा था, लैटिन सीखा था, ग्रीक, इटालियन, हेब्रियो, फ्रेंच और स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेज उन्होंने सीखा था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ही अटेंडेड क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज ग्रेजुएटिंग इन 1629। उन्होंने क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में भी अटेंड किया, पढ़ा, और वहाँ पे उन्होंने ग्रेजुएट किया, कब, 1629 में, यानी कि 1629 में उनको बीए की बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि बीए की डिग्री उनको मिली, एंड 1632 विद अ मास्टर ऑफ आर्ट, और 1632 में इनको मास्टर की डिग्री मिलती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द 7 ईयर ही स्पेंट एट कैम्ब्रिज बिटवीन 1625 एंड 1632 वर क्रूशियल इन हिज इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7 साल तक वे कैम्ब्रिज में रहें, कब से कब तक, 1625 से 1632 के बीच में वो कैम्ब्रिज में रहें, और ये जो 1625 और 1632 का जो इन लोग इनका जो पीरियड था वो क्या था, इनके इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन का एक क्रूशियल था, मतलब उनके बौद्धिक गठन में बहुत महत्वपूर्ण था। एंड बिफोर ही लेफ्ट ही हैड बीन रिकग्नाइज बाई हिज फेलो स्टूडेंट्स ट्यूटर्स एज अन सेंस पोएट, और उनके जाने से पहले उन्हें पहचाना गया, किसके द्वारा, उनके फिलो स्टूडेंट्स ट्यूटर्स के द्वारा उन्हें एक नेसेंस पोएट के रूप में पहचाना गया, मतलब एक नवजात कवि के रूप में उन्हें पहचाना गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैम्ब्रिज मिल्टन वॉज नोन एज द लेडी ऑफ क्राइस्ट, कैम्ब्रिज में मिल्टन को द लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता था। वाइल द रीजन फॉर द सॉब्रिक्यू आर सर्टेन, बट इट इज एन अजम्पशन दैट मिल्टन्स अपीयरेंस सीम्स फेमिनाइन एंड डेलिकेट टू सम ऑन लुकर्स। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हालांकि इस सॉब्रिक्यू यानी सॉब्रिक्यू मतलब क्या होता है, टाइटल, उपाधि, हालांकि इस टाइटल का कारण निश्चित था, सर्टेन था, लेकिन ये एक क्या थी, अजम्पशन था, ये एक धारणा है कि मिल्टन की जो अपीयरेंस है यानी कि मिल्टन की जो उपस्थिति है, कुछ देखने वालों को कैसी लगती थी, फेमिनाइन लगती थी और डेलिकेट लगती थी। मतलब मिल्टन को जो भी देखता था उनको लगता था कि उनके अंदर ऐसी कुछ हैबिट है, वो फेमिनाइन दिखते थे या फिर डेलिकेट मीन्स क्या होता है, नाजुक दिखती थी, इसीलिए उनको द लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, ही हैड 3 वाइफ्स, उनके 3 पत्नियाँ थीं, मैरी पोवल, इनसे इनकी शादी कब हुई थी 1642, और फिर इनकी डेथ कब हो गई थी 1652, 1642 और 1652 के बीच में। सेकेंड वाइफ उनकी कौन है, कैथरीन वुडकॉक है,
1656 में इनकी शादी इनके साथ होती है और 1658 में इनके साथ रहती हैं। थर्ड इनकी वाइफ हैं एलिजाबेथ मिंसुल। इनका कब से है कार्यकाल 1662 1674। ओके, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हिज सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक डाइड आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ दियर मैरिज आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। उनकी जो सेकेंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक, वो उनकी शादी के 2 साल बाद ही उनकी डेथ हो जाती है और वो एक बच्चे को भी जन्म देती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मिल्टन टेंडरली मेमोराइज्ड वुडकॉक इन अ सोनेट नंबर 23। मिल्टन उनकी याद में, यानी कि वुडकॉक उनकी जो सेकंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक, उनकी याद में उन्होंने एक सोनेट लिखा था, सोनेट 23, जिनका टाइटल क्या है, मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हैविंग मैरिड मैरी पोवल इन 1642, मिल्टन वॉज डिजर्टेड बाय हिज वाइफ आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ दियर मैरिज। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1642 में मैरी पोवल के शादी होने के बाद मिल्टन अपनी वाइफ से, उनकी शादी के 2 महीने बाद ही अपनी वाइफ से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। किससे, मैरी पोवल से। जब वो 1642 में अपनी वाइफ मैरी पोवल से शादी करते हैं, उनके शादी के 2 महीने बाद ही उनके बीच में क्या हो जाती है, सेपरेशन आ जाती है, वे अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रीज़न फॉर दियर सेपरेशन मे बी ड्यू टू मैरिज एडहेरेंस टू रॉयलिस्ट इंक्लाइनेशन एंड मिल्टन्स एंटी रॉयलिस्ट आर डिस्क्रिपेंसी इन दियर एजेस एट द टाइम ऑफ मैरिज। मिल्टन वॉज 34 वाइल मैरी वॉज जस्ट 17 ईयर ओल्ड्स। यहाँ पर क्या करें कि उनके जो अलग होने का कारण ये बताया जाता है कि मैरी, उनके अलग होने का कारण ये बताया जाता है कि शायद मैरी का जो झुकाव था वो रॉयलिस्ट की तरफ था, उनका जो झुकाव था वो रॉयलिस्ट की तरफ था, और मिल्टन का जो रॉयलिस्ट, मिल्टन क्या थे, रॉयलिस्ट के खिलाफ थे, एंटी रॉयलिस्ट थे। और ये भी माना जाता है कि शायद उनकी जो शादी का समय, जब उनकी शादी हुई तो मिल्टन की एज उस समय 34 साल की थी और इनकी मैरी पोवल की एज कितने साल की थी, 17 साल की। तो ये भी माना जाता है उनके सेपरेशन का रीज़न है ये। ओके, उनके सेपरेशन का ये भी रीज़न माना जाता है कि शायद उनके एज में डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर हिज वाइफ डेजिटेशन ही रोट 4 ट्रैक। मतलब अपने वाइफ से अलग होने के बाद उन्होंने 4 ट्रैक लिखे। वो कौन कौन से 4 ट्रैक थे, जब मैरी पोवल से वो अलग हो गए तो उन्होंने लिखे 4 ट्रैक, कौन कौन से, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। ये इनका कब वर्क आया था, 1643 में आया था। सेकेंड नंबर पर है जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डाइवोर्स 1644, टेट्राकॉर्डन 1645, पैथा एंड कोलेस्ट्रियन 1645। ये इनका 4 ट्रैक था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे सम फैक्ट्स अबाउट मिल्टन। मिल्टन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। मिल्टन्स लिटरेसी कैरियर इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम, मतलब मिल्टन की जो लिटरेरी करियर था उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पीरियड कौन सा था, फर्स्ट पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 1632 टू 1637, यानी कि जो फर्स्ट पीरियड इनका था 1632 से 1637 तक था। दिस पॉपुलरली नोन एज द हॉटन पीरियड। इस पीरियड को क्या कहा जाता था, इस पीरियड को हॉटन पीरियड के नाम से जाना जाता था। अगर ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं कि मिल्टन का हॉटन पीरियड कब से कब तक था, तो 1632 से 1637 के बीच ये उनका हॉटन पीरियड जाना जाता है। ये क्वेश्चन कितनी बार, मेनी टाइम्स आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेकेंड पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 1640 टू 1660, मतलब जो सेकेंड पीरियड था वो कब से कब तक था, 1640 से 1660 तक था। द पीरियड ऑफ मोमेंटस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, ये जो पीरियड था ये इनका मोमेंटस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल का पीरियड था। ओके, नेक्स्ट है द थर्ड पीरियड, द ओल्ड ब्लाइंड डिसअपॉइंटेड पोएट। मतलब इनका जो थर्ड पीरियड था वो ओल्ड ब्लाइंड डिसअपॉइंटेड पोएट था। नेक्स्ट पॉइंट है द पीरियड बिटवीन 1625 एंड 1660 इज़ नोन एज द प्यूरिटन एज और जॉन मिल्टन्स एज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1625 से 1660 का जो पीरियड था इसे क्या जाना जाता है, इसे प्यूरिटन एज। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया है, और इसे प्यूरिटन एज के नाम से भी जाना जाता है और इसे जॉन मिल्टन के एज के नाम से भी जाना जाता है। जॉन मिल्टन का एज का जो पीरियड है वो कब से कब तक है, 1625 से 1660 तक है, और इसे प्यूरिटन एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन हु बिलीव्ड इन द अथॉरिटी ऑफ द बाइबल। मतलब मिल्टन क्या थे, एक प्यूरिटन थे और जो बिलीव
करते थे, किसमें? अथॉरिटी ऑफ द बाइबल, बाइबल की अथॉरिटी में बहुत विश्वास रखते थे, एंड अपोज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक, और वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे कोई धार्मिक संस्था थी उनसे वो बहुत ज़्यादा अपोज करते थे, जैसे द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड द मोनार्की, जैसे इंग्लैंड का जो चर्च था उनके वो अपोज थे, और जो मोनार्की थी इंग्लैंड की उसके वो अपोज थे, ओके? और किसके वो किस में विश्वास रखते थे? बाइबल की अथॉरिटी में, क्योंकि वो एक प्यूरिटन थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ही रोट पैम्फलेट्स ऑन रेडिकल टॉपिक्स, मतलब वो उन्होंने पैम्फलेट्स लिखा किस पे? एक रेडिकल टॉपिक्स पे, जैसे लाइक फ्रीडम ऑफ प्रेस, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस सपोर्टेड ओलिवर क्रॉमवेल इन द इंग्लिश सिविल वॉर, इंग्लिश सिविल वॉर में उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल पर सपोर्ट भी किया। नेक्स्ट पॉइंट है, मिल्टन रोट ऑफिशियल पब्लिकेशन फॉर क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट, मिल्टन ने ऑफिशियल पब्लिकेशन लिखा किसके लिए? क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, नियर द एंड ऑफ 1659, 1659 के करीब मिल्टन वेंट टू प्रिजन, मिल्टन को कहाँ जाना पड़ा? जेल, बिकॉज ऑफ हिज रोल इन द फॉल ऑफ चार्ल्स फर्स्ट एंड द राइज ऑफ द कॉमनवेल्थ, क्योंकि उनका रोल क्या था चार्ल्स फर्स्ट के फॉल में और कॉमनवेल्थ का जब उदय हो रहा था और चार्ल्स फर्स्ट का जब फॉल हो रहा था उसमें उनका रोल था, इस कारण उन्हें कहाँ जाना पड़ा? जेल जाना पड़ा। कब? 1659 में। नेक्स्ट पॉइंट है, द मोनार्की वॉज री इस्टेब्लिश्ड इन 1660 विद चार्ल्स सेकेंड एज किंग, मोनार्की री इस्टेब्लिश कब हुई इंग्लैंड में कब हुई? 1660 में हुई, उस समय चार्ल्स सेकेंड आया एज ए राजा बन के, वो गद्दी पर बैठा, चार्ल्स सेकेंड, ओके? अगला क्या है, आई वॉज बॉर्न इन लंडन ऑफ एन ऑनेस्ट, यहाँ पे मिल्टन क्या कहते हैं कि आई वॉज बॉर्न इन लंडन ऑफ एन ऑनेस्ट फैमिली, मैं लंडन के एक ऑनेस्ट फैमिली में पैदा हुआ, माई फादर डेस्टिन मी फ्रॉम एंड माई एपिटाइट फॉर नॉलेज वॉज सो वरासियस, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं लंदन के एक ऑनेस्ट फैमिली में पैदा हुआ और मेरे पिता ने मुझे ये डेस्टिन कर दिया था कि ज्ञान मेरी क्या है कि ज्ञान के लिए मेरी भूख इतनी तेज थी, और असियस मीन्स क्या होता है, तेज, इतनी तेज थी दैट फ्रॉम 12 ईयर्स ऑफ एज, कि 12 साल की उम्र से, वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट, आधी रात से पहले मैं बिस्तर पर गया हूँ, मतलब मुझे ज्ञान की इतनी भूख थी कि मैं आधी रात से पहले सोने नहीं जाता था, मैं पढ़ता रहता था, ओके? ये कहा जा रहा है। आगे है, सो मिल्टन टेल्स अस इन हिज सेकेंड डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, इसलिए मिल्टन ने हमें बताया कहाँ? अपने सेकेंड डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल एंड हिज स्ट्रेस में उन्होंने ये बात बताई, ओके? नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन हिज अर्ली लिटरेरी इंटरेस्ट, अपने शुरुआती लिटरेरी इंटरेस्ट पर परस्यू विद हिज फादर्स इंकरेजमेंट इज सिग्निफिकेंट, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मतलब वहाँ पे कह रहे हैं कि उनके जो शुरुआती लिटरेरी इंटरेस्ट पर उनके फादर का इंकरेजमेंट क्या था, बहुत सिग्निफिकेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहीं पे, लाइफ ऑफ मिल्टन इंपॉर्टेंट है, यहाँ का ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बिन रिटन सैमुअल जॉनसन, ओके? लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखा है? सैमुअल जॉनसन ने, व्हाइल लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन इज़ रिटन बाई ल्यूमिनेरियम, मतलब किसने लिखा है? लाइफ ऑफ मिल्टन की बात जब आएगी तो आपके सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है, लेकिन लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन की अगर बात आ रही है तो किसने लिखा है? ल्यूमिनेरियम ने लिखा है, ओके? नेक्स्ट पॉइंट है, द ग्रेट पोएट पास्ड अवे ऑन नवंबर 8, 1674 एज्ड 65 इन लंडन बनहिल इंग्लैंड, मतलब ये जो ग्रेट पोएट है इनकी डेथ कब हुई? 8 नवंबर 1674 में इनकी डेथ हो गई, उस समय इनकी एज कितनी थी? 65 साल के थे और लंडन में ही हुई, लंडन में कहाँ पे हुई? बनहिल इंग्लैंड, ओके? अब यहाँ से जॉन मिल्टन के कुछ कोट्स हैं, उनके वर्क से कुछ कोट्स हैं, सो इसको भी देख लेते हैं, ओके? कवर कर लेंगे हम लोग जॉन मिल्टन्स कोट्स, ओके? द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इट्स सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल अ हेल ऑफ हेवन, मतलब माइंड क्या है, माइंड खुद ही एक प्लेस है, अपने आप में ही एक जगह है जहां हम हेल को हेवन समझ लेते हैं और
हेवन को हेल, मतलब हमारा दिमाग ही, हमारे दिमाग पे ही सब कुछ है कि हम हेल को हेवन समझ लेते हैं और हेवन को हेल। तो ये लाइनें आपकी कहाँ हैं, पैराडाइज लॉस्ट में है। ओके, नेक्स्ट कोट है, व्हाट हैथ नाइट टू डू विथ स्लीप, ये भी लाइनें आपकी पैराडाइज लॉस्ट में है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स, क्योंकि जो किताबें होती हैं वो वास्तव में एब्सोल्युटली वो डेड थिंग्स नहीं होती हैं, बट डू कंटेन अ पोटेंसी ऑफ लाइफ इन देम टू बी एज एक्टिव एज दैट सोल वॉज होज सॉरी हुज प्रोगेनी दे आर, ने दे डू प्रिजर्व एज इन अ वील द प्यूरेस्ट इफिशियसी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट लिविंग इंटेलेक्ट दैट ब्रेड देम। तो ये लाइनें आपकी किस में आती हैं, ये लाइनें भी आपकी एरोपेजिटिका में आती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, तो ये तो सभी को पता है, इम्पॉर्टेंट भी है, और इसका हिंदी क्या है ये भी सभी को पता होगा। तो ये लाइनें किस में आती हैं, पैराडाइज लास्ट में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी, सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है, अकेलापन, कभी कभी अकेलापन सबसे अच्छा सोसाइटी होता है, ये भी लाइनें किस में है, पैराडाइज लॉस्ट में है। ये बोलता किसने, ये बोलता कौन है, तो ये आपके एडम। ओके, ये एडम का है, बाकी ये जो ऊपर है ये शैतान बोलता है, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। ओके, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा है कि हम हेल में ही शासन करें। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉन्ग इज द वे एंड हार्ड दैट आउट ऑफ हेल लीड्स अप टू नाइट सॉरी टू लाइट, तो ये भी लाइनें आपकी किस में है, पैराडाइज लॉस्ट में है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव एज इन आवर विल टू लव और नॉट इन दिस वी स्टैंड और फॉल, ये भी लाइनें आपकी किस में है, आपकी ये लाइनें आपकी पैराडाइज लॉस्ट में है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फ्रीली वी सर्व, मतलब स्वतंत्र रूप से हम सेवा करते हैं, बिकॉज वी फ्रीली लव, क्योंकि हम फ्रीली से मतलब स्वतंत्र रूप से हम प्यार करते हैं, एज इन आवर विल टू लव और नॉट, जैसा कि हमारी इच्छा में है कि हम प्यार करें या ना करें, हमारी इच्छा है कि हम प्यार करें या ना करें, इन दिस वी स्टैंड और फॉल, इसमें हम खड़े रहें या गिर जाते हैं, तो ये चीज़ें आपकी हैं पैराडाइज लॉस्ट में है। नेक्स्ट पॉइंट है, अवेक अराइज आर बी फॉर एवर फॉलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी पैराडाइज लॉस्ट में है। नेक्स्ट, अबेस द डेविल स्टूड एंड फेल्ट हाउ ऑफुल गुडनेस इज आ एंड शो वर्चू इन हर शेप हाउ लवली एंड पाइंड हिज लॉस, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अबेस्ट मीन्स क्या होता है, शर्म, अबेस द डेविल स्टूड मतलब जो शर्म से लतपत शैतान क्या है, डेविल क्या है, वो खड़ा हो गया, एंड फेल्ट हाउ ऑफुल गुडनेस इज, और महसूस किया है कि अच्छा है कितनी भयानक है, जो गुडनेस है वो कितनी ऑफुल है, एंड शो वर्चू इन हर शेप हाउ लवली, और इसके आकार में जो सदगुण देखा है, जो सदगुण को देखा है वो कितना प्यारा है, हाउ लवली, वो कितना प्यारा है, एंड पाइंड हिज लॉस, और अपने नुकसान को पाइंड किया सहलाया। तो ये भी लाइनें आपकी किस में हैं, पैराडाइज लॉस्ट में है। ओके, All is not lost, the unconquerable will and the study of revenge, immortal hate and the courage never to submit are yield. ये भी लाइनें आपकी किस में है, पैराडाइज लॉस्ट में है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सब कुछ नहीं खोया है, All is not lost मतलब सब कुछ नहीं खोया है, the unconquerable will मतलब कभी ना हारने वाली इच्छा, अनकॉन्करेबल मीन्स क्या होता है, अजय इच्छा, यानी कि कभी ना हारने वाली इच्छा, द स्टडी ऑफ रिवेंज और बदला लेने का जो अध्ययन, इमॉर्टल हेट कभी ना खत्म होने वाली नफरत, एंड द करेज नेवर टू सबमिट आर इल्ड और साहस कभी हार नहीं मानता। तो ये भी लाइनें आपकी किस में आती हैं, पैराडाइज लॉस्ट में आती हैं। बोलता कौन है, ये सारी ही लाइनें आपकी सैटर्न ही बोलता है। ओके, सिर्फ एक लाइन को छोड़ के, सॉलिट्यूड समटाइम इज द बेस्ट सोसाइटी, उसको छोड़ के बाकी ये सब सैटर्न का ही है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, आई विल नॉट डिनाई बट दैट द बेस्ट अपोलोजाई अगेंस्ट फॉल्स एक्यूजर्स इज साइलेंस एंड सफरेंस एंड ऑनेस्ट डीड्स सेट्स अगेंस्ट डिसऑनेस्ट वर्ड्स सॉरी ये किसमें है, अपोलोजाई फॉर स्मिक्टिमनेस में है। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आई विल नॉट डिनाई, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा, दैट द बेस्ट अपोलोजाई अगेंस्ट फॉल्स एक्यूजर्स, कि जो झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ सबसे अच्छी माफ़ी क्या होती है, अक्यूजर्स इज साइलेंस एंड शफरेंस, मतलब मैं इस बात से डिनाई नहीं करूँगा कि जो झूठे आरोप लगाने वाले होते हैं उनके खिलाफ सबसे अच्छी माफ़ी क्या होती है, चुप्पी और सहनशीलता है, मतलब साइलेंस और सफरेंस है, एंड ऑनेस्ट डीड सेट्स अगेंस्ट डिसऑनेस्ट वर्ड्स और जो ईमानदार कर्म है वो बेईमान शब्दों के खिलाफ
सेट होते हैं। तो ये किस में आपके हैं, अपोलोजाई फॉर इस्मिक टिमनस। ओके, नेक्स्ट, नेवर कैन ट्रू रिकनसाइलमेंट ग्रो वेयर वुंड्स ऑफ डेडली हेट हैव पियर्स्ड सो डीप। ये भी लाइनें आपकी पैराडाइज लॉस्ट में है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जहाँ नफरत के घाव इतने गहरे चुभे हों वहाँ सच्चा मेल मिलाप कभी नहीं बढ़ सकता। ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें यही कह रहा है कि जहाँ नफरत के घाव इतने गहरे चुभे हों वहाँ सच्चा मेल मिलाप कभी नहीं बढ़ सकता। ओके, ये भी लाइनें आपकी पैराडाइज लॉस्ट की है। नेक्स्ट है, अब हम आगे देखेंगे, गिव मी द लिबर्टी टू नो, मतलब मुझे लिबर्टी दो, मुझे ये आज़ादी दो जानने के लिए, टू अटर बोलने के लिए, एंड टू आर्ग्यू फ्रीली, और मुझे स्वतंत्र रूप से बहस करने के लिए मुझे क्या दो, लिबर्टी दो, आज़ादी दो, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंस, अंतरात्मा के अनुसार, अबव ऑल लिबर्टीज, सारे आज़ादी के ऊपर, सारे स्वतंत्रता के ऊपर, अंतरात्मा के अकॉर्डिंग, मतलब अंतरात्मा के अनुसार मुझे जानने के, बोलने के, और फ्रीली रूप से, मतलब स्वतंत्र रूप से मुझे बहस करने की क्या दो, लिबर्टी दो। तो ये भी लाइनें आपकी हैं एरोपेजिटिका में, ये मिल्टन कहते हैं, मिल्टन इसमें एरोपेजिटिका में बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो उसी में ये बातें वो बोलते हैं, मुझे जानने का, बोलने का, और स्वतंत्र रूप से बहस करने की आज़ादी दो, उसमें ये चीज़ वो कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, इनोसेंस वन लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन, डार्कनेस वंस गेज्ड अपॉन कैन नेवर बी लॉस्ट। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इनोसेंस, मासूमियत, वन लॉस्ट, एक खोई हुई है, कैन नेवर बी रिगेन, जो कभी वापस नहीं मिल सकती, डार्कनेस वंस गेज्ड अपॉन कैन नेवर बी लॉस्ट, और अंधेरा जिसे एक बार देखा जाता है वो कभी खो नहीं सकता, ये भी आपके पैराडाइज लॉस्ट में है। ओके, नेक्स्ट, अ गुड बुक इज़ द प्रीसियस लाइफ ब्लड ऑफ अ मास्टर स्प्रिट, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक अच्छी किताब एक मास्टर आत्मा की कीमती जीवन रक्त है, इम्ब्लेब्ड एंड ट्रेजर्ड अब ऑन पर्पस टू अ लाइफ बियॉन्ड, जीवन से परे जीवन के उद्देश्य से संलेपित और संजोया जाता है। तो ये भी लाइनें आपकी एरोपेजिटिका में हैं। ओके, आपको बस याद करना है लाइनें, हिंदी से मतलब नहीं है। व्हाट इज़ डार्क विद इन मी इलुमाइन, तो ये भी आपकी पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, एंड सो स्पल्चर्ड इन सच पॉम डॉस्ट लाई दैट किंग्स फॉर सच अ टॉम वुड विश टू डाई, ये ऑन शेक्सपियर की लाइन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रीली दे स्टूड हु स्टूड एंड फेल हु फेल, तो ये आपकी किस में लाइनें हैं, ये अभी आपकी पैराडाइज लॉस्ट की इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड लास्ट देख लेते हैं कोड का, वेट एट ही हु रेन विद इन हिमसेल्फ एंड रूल्स पैशंस डिजायर्स एंड फियर्स इज मोर अ किंग, ये भी आपकी पैराडाइज रीगेन की, सॉरी ये आपकी पैराडाइज रीगेन की लाइनें हैं। ओके, यहाँ पे आपके हैं कमेंट्स ऑन मिल्टन एंड हिज वर्क्स, ये मिल्टन और उनके वर्क्स पे कुछ कमेंट है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, है ना। चलिए फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम पढ़ेंगे, क्योंकि मिल्टन को भी हम ज़्यादा वीडियो में, एक दो वीडियो में हम कवर करेंगे, उसके बाद फिर आपके गर्ल्स वर्दी बचे रहेंगे, उसके बाद फिर आपको देन पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा एक साथ। इतना ही रहने देते हैं आज, ओके, एक ही में बस इतना ही रहने देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको जब आपका गर्ल्स वर्दी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फोर राइटर्स का पीडीएफ एक साथ दे दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।